नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी से हमारा देश जल्दी से छुटकारा पा ले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। क्या सचमुच सीता माता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था? क्या श्री राम और माँ सीता का अलौकिक रिश्ता इतना कमजोर था कि एक संदेह में बिखर जाए? माँ सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में बहुत से अधर्मी लोग उलझुल बातें करते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी भी विषय का अधूरा ज्ञान कचरे के समान होता है और हानिकारक होता है, ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए। आज हम माँ सीता की अग्नि परीक्षा के पीछे की असली वजह बताएंगे, जो श्री लक्ष्मण जी को भी लंका युद्ध के बाद पता चली थी। आज हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा की गई अनोखी लीला के बारे में जानेंगे। इससे हमें यह भी समझ आएगा कि भगवान के अवतारों द्वारा किए गए किसी भी काम को हमें उनकी लीला के रूप में देखना चाहिए। हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि हम में और भगवान अवतारों में बहुत फर्क होता है। और तो और, श्री राम की संपूर्ण लीला त्रेता युग में हुई है और उस युग के आम लोगों से भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो कृपया करके अवतारों से बराबरी करने की कोशिश ना करें। आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट्स में किसी भी धर्म या भगवान के बारे में कुछ भी लिखें तो ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की अभद्रतापूर्ण बातें ना लिखें। आइए अब जानते हैं माँ सीता की अग्नि परीक्षा का रहस्य। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। जब रावण वध के बाद सीता माता को वानर सेना पालकी में बैठा कर वापस लाती है, तब यह प्रसंग आता है जब लक्ष्मण श्री राम से पूछते हैं कि सीता माता को आप वापस क्यों नहीं बुला रहे, तो वे कहते हैं कि सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि माता समान भाभी की अग्नि परीक्षा लेना उचित नहीं है। वे राम के विरुद्ध विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इस पर श्री राम लक्ष्मण को गूढ़ रहस्य बताते हैं। सीता हरण के पहले ही इसकी भूमिका रखी जा चुकी थी। अब सुनिए कि भगवान के अवतार कैसे किसी कार्य को सफल बनाने के लिए लीला रचते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी अवतार माँ सीता और श्री विष्णु अवतार श्री राम ने रावण का संहार करने के लिए ये लीला रची थी। श्री राम को यह पता था कि रावण रूप बदलकर सीता को हरने आएगा। श्री राम ने सीता माता को पहले ही बता दिया था और इस महान अवतार के कार्य को पूरा करने में उनका सहयोग भी मांगा। दोनों ने इस लीला को आरंभ किया। श्री राम ने अग्नि देव से प्रार्थना कर उन्हें प्रकट किया और अपनी अर्धांगिनी सीता को अग्नि देव की सुरक्षा में छोड़ दिया। अग्नि देव माँ सीता को लेकर अंतर्ध्यान हो गए और माँ सीता की एक प्रतिबिंब या परछाई को वहीं छोड़ गए। उसके बाद जो भी हुआ उस परछाई के साथ हुआ। वास्तविक सीता को अग्नि को सौंप दिया गया और वचन लिया गया कि रावण के वध के बाद ही सीता को अग्नि से वापस लिया जाएगा। बदले में सीता की प्रतिछाया प्रतिबिंब को लंकेश हरकर ले जाएगा। ऐसा ही हुआ। लंका में पूरे समय वास्तविक सीता ना होकर उनकी छाया थी। अब लंका विजय के बाद युद्ध के पहले की गई लीला को पूरा करना था और माँ सीता को अग्निदेव से वापस लेना था, इसीलिए श्री राम ने अग्नि परीक्षा की लीला रचाई। श्री राम ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा लेने के लिए लक्ष्मण से अग्नि प्रज्वलित करवाई, सीता माता से इससे गुजरने का आह्वान किया। वे अग्नि से गुजरकर अंतर्ध्यान हो गई और कुछ ही पलों बाद अग्नि देवता प्रकट हुए। उनके साथ वास्तविक सीता माता प्रत्यक्ष प्रकट हुई। इस प्रकार सीता माता श्री राम के पास आ गई। यह दृश्य देखकर लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत सहित समस्त वानर सेना भावुक हो गई। अगर आप भी भावुक हो गए हों तो कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम।